Good morning, students. We have ended chapter number 10 and now we are going to start 11th chapter, that is force and pressure. Force and pressure is the topic of physics. Okay, the force we generally have known about this. ये हम लोगों ने पहले देखा हुआ है किसी ऑब्जेक्ट को खींचना या धक्का देना क्या होता है, फोर्स होता है. बट वी आर नॉट स्टडिंग दैट टाइप ऑफ डेफिनेशन. वी आर मेकिंग अ डिफरेंस डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ इट. फोर्स की हम लोग क्या करेंगे, एक डिफरेंट डेफिनेशन है दैट इज मोर रिलायबल टू अंडरस्टैंड. ओके, फोर्स इन केस ऑफ पुलिंग और पुशिंग हम लोग कोई ना कोई फोर्स लगा रहे हैं, मुझे पता है. बट क्या फोर्स जो है उसका कुछ इफेक्ट होता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर? अकॉर्डिंग टू दैट इफेक्ट विल मेक देयर मेक इट्स डेफिनेशन. इट मीन्स फोर्स इज द फैक्टर, फोर्स इज द फैक्टर विच कैन चेंज द शेप. फोर्स इज द फैक्टर विच कैन चेंज द शेप, साइज. शेप साइज हो सकता है, पोजिशन, पोजिशन हो सकता है, मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन कर सकता है. ठीक है, ऑल दीज फैक्टर्स और द फिजिकल फैक्टर्स कैन बी चेंज बाय द फोर्स. सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक एक चीज को देखते हैं क्या करता है फोर्स. वी आर सेइंग द फैक्टर विच कैन चेंज द शेप. शेप कैसे, हाउ शेप कैसे? सपोज वी हैव अ स्क्वीजिंग बॉल, हमारे पास स्क्वीजिंग बॉल है, इट इज द स्फेरिकल. ये क्या है, एक बिल्कुल राउंडेड है, गोल है, गोल है. बट वेन एवर वी स्क्वीज दिस बॉल इट विल मेक द डिफरेंट साइज शेप. उसकी डिफरेंट शेप होगी और उसका साइज भी कैसा होगा, अलग शेप का हो जाएगा. अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए, वेन एवर वी ब्लो द बलून, छोटा सा बलून था उसको मैंने क्या किया है, एयर ब्लो किया है, तो इट विल बिकम्स लार्जर इन साइज. तो साइज क्या हो जाएगा उसका, बड़ा. और वेन एवर वी रिलीज द एयर उसका साइज वापस से अपनी पोजिशन में आ जाएगा. सही बात है. वेन एवर वी स्ट्रेच द इलास्टिक बैंड, इलास्टिक बैंड जो था छोटा सा था उसको मैंने क्या किया, स्ट्रेच कर दिया है, तो उसका साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया. ठीक है, और जब मैंने फोर्स हटाया वापस अपनी पोजिशन में वो आ गया है. तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, साइज की बात हम लोगों ने कर ली, शेप की बात हम लोग करें. शेप राउंडेड क्या हो सकती है, डिस्कोइडल हो सकती है. ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने कोई स्ट्रेट कोई थिंग मेरे पास थी उसको मैंने बैंड कर दिया बाय द फोर्स, समझ रहे हो, कोई इलेक्ट्रिकल वायर था मैंने उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेट था वो, उसको बाय फोर्स मैंने उसको फोल्ड कर दिया है, तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी ना. ठीक है, पोजिशन, पोजिशन का मतलब है कि आई कैन चेंज द पोजिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इट्स ओरिजिन पॉइंट. सपोज कि मेरे पास ये डस्टर है, इस डस्टर को मैंने क्या किया है, यहां रखा हुआ है, बाय द मस्कुलर फोर्स आई कैन लिफ्ट दिस डस्टर एंड प्लेस ऑन टू द टेबल. एक प्लेस से दूसरे प्लेस में रख सकता हूं ना, तो इट इज द पोजिशन, पोजिशन चेंज हुई उसकी. नाउ मोशन, सपोज एनी ऑब्जेक्ट एट द रेस्टिंग कंडीशन, एनी ऑब्जेक्ट एट द रेस्टिंग कंडीशन, वो कैसा है, रेस्टिंग कंडीशन में है, तो वॉट वी हैव टू यूज, वी हैव टू यूज द फोर्स. हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, ठोकर मार के या पुश करके, धक्का देके उसको क्या कर सकते हैं, उसकी मोशन में ला सकते हैं क्या? यस, आई बात समझ में? सपोज सम ऑफ द ऑब्जेक्ट, मोशन आई बात तुम्हें? सपोज द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, कोई ऑब्जेक्ट था वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था और मैंने क्या किया, इसको यहां से धक्का दिया तो ये इधर मूव करने लग गया, समझ रहे हो. सपोज सम ऑब्जेक्ट इज फ्लोइंग फ्रॉम द अपर साइड टू डाउन साइड, नीचे आ रहा है डाउन की तरफ, तो मैंने उसको धक्का मार दिया तो मैंने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, वो नीचे आ रहा था अब वो उधर चला जाएगा, तो इट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो भी इफेक्ट्स आ रहे हैं दीज आर डन बाय द फोर्स. तो फोर्स इज व्हाट, फोर्स इज द फैक्टर विच कैन चेंज द शेप एंड साइज, पोजिशन, मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऑल दीज.
ये सारे इफेक्ट शो कर सकता है कौन? फोर्स। आई बात समझ में? इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। इट मीन्स वॉट वी हैव टू डू, इफ द ऑब्जेक्ट इज हैवियर, ऑब्जेक्ट कैसा है, हैवी है, तो वी हैव टू अप्लाई मोर फोर्स। हमको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा फॉर गेट फॉर गिविंग द मोशन टू इट, मोमेंट टू इट। कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो हैवी है, सपोज कीजिए कि हमारे पास 50 केजी का कोई ऑब्जेक्ट है और वन इज 15 केजी, एक तो 15 केजी का ऑब्जेक्ट है और एक 50 केजी का ऑब्जेक्ट है, तो वी हैव टू अप्लाई मोर फोर्स टू लिफ्ट दिस वेट रदर देन 15 केजी। इस 15 केजी से ज्यादा फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा इसको उठाने के लिए। आई बात समझ में? तो जितना ज्यादा हैवियर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही ज्यादा उसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो एक फोर्स क्या कर सकता है, उसने क्या किया, देखो एक ब्रिक, जो ब्रिक है वो क्या कर सकती है, नीचे फोर्स लगा सकती है बाय द हैंड। हम लोग उसको प्रेस कर सकते हैं क्या? नहीं, वो हमारे हैंड के ऊपर अगर हम लोग रख रहे हैं तो वो नीचे की तरफ फोर्स लगा सकती है। ठीक है, अगर मैंने इसको ईंट को ऊपर रखा है हाथ में तो हमारा हैंड, जरूरी नहीं है कि ऐसे हम लोग बहुत फोर्स लगा के उसको रोक सकते हैं, अदरवाइज वो रखते ही क्या डालेगी, नीचे नीचे कर देगी। ठीक है, अब देखिए इफेक्ट्स आप लोग खुद पढ़ेंगे, मैंने आपको इफेक्ट्स बता दिए हैं, ऑल दीज इफेक्ट्स आर हियर, जितने भी इफेक्ट आपकी बुक में दिए हुए हैं ये सारे इसके अंदर हैं। फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, हम लोगों ने ये चीज सारी देख ली है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टाइप ऑफ फोर्सेस। ठीक है, टाइप ऑफ फोर्सेस वी हैव टू स्टडी। टाइप ऑफ फोर्सेस आर इन योर बुक, दैट आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नेक्स्ट वन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। फर्स्ट इज कॉन्टैक्ट फोर्सेस, एज इट्स नेम शोज, इट मीन्स जो फोर्स है इसका नेम शो कर रहा है कैसे, वेन एवर वी कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के साथ उसको टच करके हम लोग अगर उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, इट मीन्स हम लोग कौन सा फोर्स यूज कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस। Whenever we apply the force by touching the object, किसी भी object को मैं क्या कर रहा हूँ, touch कर रहा हूँ for applying the force, then the force is known as contact force. आई बात समझ में? Suppose I am lifting the table or a bucket full of water, अगर उसको उठाना है मुझे तो firstly we have to attach my hand with the handle. मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके हैंडल को पकड़ना पड़ेगा बाय द हैंड, तो मेरा जो अटैचमेंट हुआ उससे फोर्स लग रहा है मस्कुलर फोर्स, बाय द मस्कुलर फोर्स आई कैन लिफ्ट द बकेट, बट इट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स बिकॉज वी आर मेकिंग द कॉन्टैक्ट बिटवीन द बकेट एंड माई हैंड। आई बात समझ में? समझ रहे हैं? आई एम किकिंग अ फुटबॉल, एक फुटबॉल को मैं क्या कर रहा हूं, किक कर रहा हूं माई लेग एंड फुटबॉल सरफेस विल कम्स इन कॉन्टेक्ट, दोनों क्या होंगे, कॉन्टेक्ट में आएंगे क्या, यस आएंगे क्या, कॉन्टेक्ट में आएंगे, तो यहां पर फोर्स कौन सा लगेगा बेटा, कॉन्टेक्ट फोर्स लगेगा। आ रही है बात समझ में? मस्कुलर फोर्स हुआ, मस्कुलर फोर्स मैंने आपको बता दिया किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए। एक होता है आपका फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स का मीनिंग क्या है, कॉन्टेक्ट फोर्स का ही टाइप ही है। फ्रिक्शन फोर्स मीन्स इट इज द फोर्स Which opposes the motion of any object, किसी भी object की motion को oppose करता है, रोकता है, and it is always produced in the opposite direction of the motion. Suppose कोई surface है, friction क्या करता है, दो surface के बीच में लगता है, एक surface ये है, इसके ऊपर कोई भी object move कर रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट की सरफेस है वो इधर मूव करना चाहती है, बट द सरफेस विल अपोजिट द मोशन इनटू अपोजिट डायरेक्शन। समझ रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है ऑब्जेक्ट ड्यू टू द रेजिस्टेंस प्रोड्यूस बाय द लोअर सरफेस। समझ रहे हैं? हम लोग जब आगे चलते हैं तो हमारा जो एक पैर है वो जट से पीछे आता है ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय द सरफेस।
सरफेस, नीचे वाली जो रोड है या नीचे वाला जो सरफेस है उस जो क्या करती है हमारी बॉडी के ऊपर एक अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती है फोर्स लगाती है। वी आर गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और यह मुझे क्या करना है पीछे की तरफ धकेलता है फॉर अपोजिंग माई मोशन, मेरी मोशन को रोकने के लिए क्या करता है ये फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होता है। सपोज कीजिए वेन एवर वी स्टार्ट डूइंग पेडल्स टू द बाइसिकल, साइकिल को पेडल मारना मैंने स्टार्ट किया है तो इट विल स्टार्ट रनिंग, बट वेन एवर वी स्टॉप पेडलिंग दिस, अगर मान लीजिए मैं उसको इस पेडल मारना बंद कर दूं तो आफ्टर सम टाइम इट विल स्टॉप। आई वॉज समय क्यों, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस बाय द रोड, जो रोड की सरफेस है वो गाड़ी के टायर के ऊपर क्या करती है फोर्स जनरेट करती है ताकि उसकी मोशन नहीं हो। ओके तो दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज जनरेटेड बाय द रफ सरफेस, आई वॉज समय इट इज मोस्टली जनरेटेड और प्रोड्यूस बाय द रफ सरफेस, आई वॉज समय रफ सरफेस जितना ज्यादा होगा उतना ही फ्रिक्शन क्या होगा ज्यादा होगा। सपोज कीजिए एक ग्लास की बॉल है जिसको हम लोग कंची बोलते हैं या अंटी बोलते हैं, जो भी आप बोलना चाहो, कांच की गोली जो है उसको मैंने क्या किया एक सरफेस के ऊपर यूं फ्लोट करवाया, एक तरह से छोड़ दिया, मैंने स्लाइड करवाया, छोड़ दिया उसको, तो एक सरफेस जो प्लेन है उसके ऊपर उसकी मूविंग बहुत ज्यादा होगी ड्यू टू द लेस फ्रिक्शनल फोर्स। अगर मान लीजिए वो सरफेस कैसी है रफ तो उसकी मूवमेंट बहुत ही कम होगी ड्यू टू द हायर फ्रिक्शन, ज्यादा फ्रिक्शन होने से वहां पर क्या होगा उसकी मूवमेंट कम हो जाएगी। तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस फ्रिक्शनल फोर्स, इट अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को अपोज करता है, इट ऑलवेज जनरेटेड बाय द लोअर सरफेस ऑन विच ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट मोशन में है, इट ऑलवेज अराइज when an object touches the surface of other, ठीक है। आई वॉज समय एक इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन, मोशन की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट ये वर्क करता है। आई बात समझ में, ये सारी चीज वहां पर उसने दी है, ठीक है। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का मीनिंग क्या हुआ, दीज आर द कॉन्टेक्ट फोर्सेस, फ्रिक्शनल फोर्स बता दिया मैंने, मस्कुलर फोर्स बता दिया, ये सारे क्या है आपके कॉन्टेक्ट फोर्सेस, इट मीन्स whenever we have to apply some forces to the object, तो what we have to do? We have to make the contact with this. हमको क्या करना पड़ेगा, contact रखना पड़ेगा किसके साथ में, उस object के साथ में जिसके ऊपर वो movement करना चाह रहा है। Okay, तो next point जो है that is called its non-contact force. It means we don't have need to touch the object by for applying the force. किसी भी object के ऊपर force लगाने के लिए मुझे उसको touch करने की जरूरत नहीं है, just like the magnet, दो magnet जो है उसको पास पास में ला रहे हैं वो touch कर जाती है या वो एक दूसरे को repel कर रही है, it means they can apply some forces to that object. उस object के ऊपर क्या कर रहा है वो force लगा रहा है और इस condition में फोर्स लगाते टाइम क्या होता है वो कॉन्टेक्ट नहीं कर रहा है, तो दीज आर अप्लाइंग द नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। सपोज कीजिए वी हैव अ मैग्नेट दैट हैज टू एंड्स एंड 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 एस, नॉर्थ एंड साउथ पोल इट हैज, बोथ दीज आर अपोजिट पोल्स, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट कर सकते हैं क्या, यस
ये क्या कर सकते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, बट द सेम पोल नॉर्थ एंड नॉर्थ एंड ऑल्सो साउथ पोल एंड साउथ पोल ऑल दीज आर द सेम पोल्स, तो दे विल रिपेल ईच अदर, वो एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करते हैं, ठीक है। वेन एवर टू सेम पोल्स आर कमिंग टूवर्ड्स द वन और ईच अदर, एक दूसरे के पास में वो आ रहे हैं, इट मीन्स ये दोनों क्या करते हैं एक दूसरे को अब रिपेल भी कर सकते हैं तो अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, बट दोनों क्या थे वो कॉन्टेक्ट में नहीं थे। आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स दे विल कम्स इन कॉन्टेक्ट। एक चीज तो ये आपकी इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक की वाली बात हुई। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, ग्रेविटेशनल फोर्स की। ग्रेविटेशनल फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हमेशा अर्थ जो होती है अपनी तरफ ही खींचती है ना, अपनी तरफ ही खींचती है, और अपनी तरफ ही जब वो खींचती है तो वो कोई फोर्स लगा रही है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों टच में नहीं थे बेटा, बट वो दोनों क्या होंगे बाय द फोर्स अर्थ का जो अट्रैक्शन है उससे वो कॉन्टेक्ट में आ गया, ठीक है। तो उसने खींच लिया, अर्थ ने अपनी तरफ खींचा, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दीज आर ऑल्सो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। ओके, इट इज इनफ फॉर टूडे, आई विल कम विद नेक्स्ट पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मोस्ट ऑफ मोर फोर्सेज ऑफ दिस। ओके, विल रीड दिस चैप्टर अगेन इन आफ्टर नेक्स्ट सॉरी इन नेक्स्ट क्लास। ओके, रीड इट केयरफुली टिल दिस टॉपिक। ओके, इट इज इनफ फॉर टूडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।